जैसे सांस के सहारे 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 आगे बढ़ते हुए हम शरीर के बारे में पूरी जानकारी कर सकेंगे, वैसे ही सांस के सहारे सहारे आगे बढ़ते हुए अपने चित्त के बारे में, चित्त के विकारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी कर लेंगे। सांस को जानने का काम इस विद्या का पहला कदम है, आगे और कदम उठाएंगे। पर सांस को जानते जानते अगर हमें अपने बारे में, यानी अपने चित्त के बारे में, अपने शरीर के बारे में जानकारी करनी है, तो आलंबन को शुद्ध रखना होगा। माने सहज स्वाभाविक सांस हो, सांस की कोई कसरत न करने लगे, उसके साथ कोई शब्द न जोड़ दें, कोई रूप कोई आकृति कोई कल्पना न जोड़ दें, यथार्थ जैसा है वैसा है, तो देखेंगे चित्त के बारे में अनेक सच्चाइयां प्रकट होनी शुरू हो गई, अनेक सच्चाइयां। हमें अपने मानस की गहराइयों तक जाना है। अगर ऊपर ऊपर से चित्त को प्रसन्न करना हो, आनंदित करना हो, तो ये जो अलग अलग समाज के अलग अलग पर्व उत्सव होते हैं, अलग अलग समाज के अलग अलग कर्मकांड होते हैं, उनमें मन लगाया तो लगा मन को जरा सुख प्राप्त होने लगा, जरा सुकून मिलने लगा, लेकिन अंतरतम की गहराइयों तक विकारों का निष्कासन कैसे होगा? अलग अलग पर्व उत्सव, अलग अलग तीज त्योहार अलग अलग समाज को मनाने ही चाहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्नेह सौहार्द बढ़ाने के लिए, अपने समाज के लोगों के साथ सामाजिक सौमनस्यता बढ़ाने के लिए, ये सारे सामूहिक आमोद प्रमोद अच्छे होते हैं, इनमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर इन्हीं को धर्म मान करके अपने भीतर के विकारों को निकालने का काम बंद कर दें, तो धर्म धारण करने का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। अपने अपने तीज त्योहार मनाते हुए इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे कि हम किसी दूसरे समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे, उनको दुखी तो नहीं बना रहे, खूब सजग रहेंगे। आगे जाकर के जब समाज में ये चित्त विशोधन विद्या फैलेगी, खूब फैलेगी, तब तो हमें आशा है एक समय ऐसा भी आएगा कि एक समाज के तीज त्योहार में बाकी सारे समाज के लोग भी शामिल हो रहे हैं, एक समाज के पर्व उत्सव में बाकी समाज के लोग भी शामिल हो रहे हैं, खूब आनंद बना रहे हैं। ये अच्छी बात है सारी, पर मुख्य बात अपने चित्त को विकारों से, जड़ों तक विकारों से मुक्त करना है। इसके लिए हमें चित्त के बारे में, चित्त वृत्तियों के बारे में, चित्त के विकारों के बारे में खूब अध्ययन करना होगा। पुस्तकों वाला अध्ययन नहीं, अनुभूतियों वाला अध्ययन। सांस के सहारे सत्य का दर्शन करते 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 चित्त के बारे में बहुत सी सच्चाइयां उजागर होनी शुरू हो जाएंगी। नया नया साधक, नई नई साधिका जब विपश्यना की तपोभूमि में ये विद्या सीखने के लिए आते हैं, तो पहले दिन दूसरे दिन ही ऐसी अवस्था सामने आने लगती है, सांस देखना है। सांस देखते देखते
मन कहीं भटक गया कि होश आया। अरे कहां भटक गया, उसे फिर ले आए, सांस देखते देखते फिर भटक गया। तो मन के बारे में एक सच्चाई बहुत स्पष्ट सामने आई, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा चपल है, भटकता ही रहता है, कभी यहां कभी वहां भटकते ही रहता है। कहां कहां भटका, देख रहे थे सांस को, इतने में मन की अवस्थाएं हमारे सामने आने लगी, मन का स्वभाव हमारे सामने आने लगा, भटकता है। तो कहां कहां भटकता है, अरे कितने विषयों में भटकता है। हम कोई डायरी भी नहीं लिख सकते और डायरी लिखने भी नहीं देते, लिखें तो भी कहां लिख पाएंगे, कितने विषयों में भटकता है। लेकिन ध्यान से देखेंगे, साधक ध्यान से देखता है तो देखता है दो ही क्षेत्र हैं, मन को भटकने के लिए दो ही क्षेत्र हैं, या तो कोई पुरानी याद आई, कोई घटना याद आई, और मन भूतकाल में रमन करने लगा, भूतकाल में लोट पलोट लगाने लगा, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इतने में छलांग लगाई, भविष्य में लोट पलोट लगाने लगे, ऐसा होना ही चाहिए, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लगा भविष्य में लोट पलोट लगाने। तो साधक देखेगा वो सच्चाई का दर्शन कर रहा है, अपने मन के स्वभाव को साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से उसका अध्ययन कर रहा है। कभी भूतकाल में जाता है ये, कभी भविष्य में जाता है, अरे ये तो वर्तमान में रहता ही नहीं, वर्तमान में रहता ही नहीं, और रहना है वर्तमान में, जीना तो वर्तमान में होगा ना, भूतकाल में कैसे जिएंगे। जो क्षण चला गया वो सदा के लिए चला गया, दुनिया की सारी संपदा दे करके उस क्षण को फिर लाए और उसमें जिए असंभव बात है, हो नहीं सकती, जो गया तो हमेशा के लिए गया। भविष्य में हम जिएंगे कैसे, भविष्य जब वर्तमान बनेगा तब उसमें जिएंगे। तो भविष्य में जी नहीं सकते, भूतकाल में जी नहीं सकते, जीना है वर्तमान में, और हालत क्या बना ली हमने, तो जीना नहीं आया, जीने की कला नहीं आई, जीना होगा वर्तमान में, और जब देखो तब भूतकाल, जब देखो तब भविष्यकाल। तो इस विद्या से जीवन जीने की कला सीखने का पहला कदम, मन को वर्तमान में जीना है। इस सक्षण जो सच्चाई प्रकट हुई, इस सक्षण ये सच्चाई प्रकट हुई कि सांस भीतर आ रहा है, ये सच्चाई प्रकट हुई कि सांस बाहर जा रहा है, ये सच्चाई प्रकट हुई कि सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है, ये सच्चाई प्रकट हुई कि दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, कि दोनों नासिका में से गुजर रहा है, बस इतना ही नहीं देख पाता। दो एक सांस भी देखेगा कि फिर भटक गया भूतकाल में, फिर भटक गया भविष्य में, तो बार 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 उसको वर्तमान की ओर लाते हैं, बार बार वर्तमान की ओर लाते हैं। वर्तमान में जीने की विद्या सीखनी है, इसका मतलब ये भी न कर ले कि आगे जाकर इस विद्या में पकते पकते हम अपने सारे भूतकाल की स्मृतियों को भुला देंगे, याद ही नहीं रहेगा, और भविष्य के लिए कभी कोई प्लानिंग ही नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। वर्तमान में हमारे कदम जमे हों और तब जितना आवश्यक है उतना भूतकाल का स्मरण किया, अगला कदम कैसे उठाएं उसका निर्णय किया, ये कला सीख लेंगे। इस समय तो स्वभाव पलटना है, मन का वो स्वभाव जो प्रतिक्षण भूतकाल में रमण करता है, प्रतिक्षण भविष्य में रमण करता है, उसको वर्तमान में जीना सिखाना है। तो उसके स्वभाव को पलटने के लिए काम कर रहे हैं। साधना करते करते साधक एक बात और देखता है, मन के बारे में ही
एक बात और सामने आई, ये जो भूतकाल में रमण करने लगा, ये जो भविष्य में रमण करने लगा, तो किस प्रकार के विचार आए? तो देखता है दो ही प्रकार के विचार आते हैं, चाहे भूतकाल के हों चाहे भविष्य के हों, दो ही प्रकार के विचार। कोई भूतकाल की बात याद आई, बड़ी प्रिय होगी या अप्रिय होगी। भविष्य का कोई चिंतन चला, प्रिय होगा या अप्रिय होगा। तो चाहे भूतकाल में रमण कर रहा है या भविष्य में रमण कर रहा है, चिंतन प्रिय का चलता है या अप्रिय का चलता है, तो देखिएगा। एक वैज्ञानिक की तरह अनुसंधान कर रहा है, अपने बारे में क्या सच्चाई है उसको अनुभूतियों के स्तर पर जानने का काम कर रहा है, तो देखिएगा। जब जब मन में कोई प्रिय बात जागी, भूतकाल की जागी कि भविष्य की जागी, जैसे ही कोई प्रिय बात जागी, बड़ी सुखद लगी, बड़ी सुखद लगी। और जब जब मन में कोई अप्रिय बात जागी, भूतकाल की जागी या भविष्यकाल की जागी, अप्रिय बात जागी, तो बड़ी दुखद लगी, बड़ी दुखद लगी। अब देखता है, मानस का एक हिस्सा ही देख रहा है, मानस के अन्य हिस्सों को क्या हो रहा है, तो देखता है मानस का एक हिस्सा जैसे ही भूतकाल की या भविष्यकाल की कोई प्रिय बात चली और वो सुखद लगी, तो मानस का एक हिस्सा प्रतिक्रिया करने लगता है, अरे ये तो बहुत अच्छा, ऐसा तो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, यूं चाहिए चाहिए कि मुहार निकल पड़ती है। और इसी प्रकार देखता है, चाहे भूतकाल की हो चाहे भविष्यकाल की हो, जब कोई अप्रिय बात मन में चली और बड़ी दुखद लगी, तो मानस का एक हिस्सा प्रतिक्रिया करने लगा, अरे नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा फिर कभी ना हो जाए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कि मुहार निकल पड़े। भाई ये जो चाहिए चाहिए की मुहारनी है, इसी को भारत की पुरानी भाषा में राग कहते थे, आसक्ति कहते थे, लोभ कहते थे, और जो नहीं चाहिए नहीं चाहिए की मुहारनी है, इसी को द्वेष कहते थे। तो ये राग ये द्वेष, ये राग ये द्वेष, अरे मन में विचार तो चलते ही रहते हैं, सुखद हैं दुखद हैं, भूतकाल के हैं भविष्यकाल के हैं, प्रिय लगते हैं अप्रिय लगते हैं, राग जगाता है द्वेष जगाता है। और एक बात उभर कर सामने आती है, कभी कभी ऐसा भी होता है, एक बात मन में उठी, अरे उसका एक वाक्य भी पूरा नहीं हो पाया, गई कोई दूसरी बात मन शुरू हो गई, उसका भी पूरा वाक्य ही नहीं पूरा हो पाया, तीसरी बात शुरू हो गई, कोई सिलसिला नहीं, कोई क्रम नहीं, कोई श्रृंखला नहीं, क्या हो रहा है? उल जलूल बातें, कभी इधर की कभी उधर की, कभी इधर की कभी उधर की, अजीब पागलपन है, पागलपन ही है। दुनियादारी की भाषा में किसको पागल कहते हैं? जिस बेचारे ने अपने विचारों की श्रृंखला खो दी, विचारों का तारतम्य खो दिया, वो पागल हो गया। एक उदाहरण से समझें, एक व्यक्ति जो पागल हो, भूखा है, कई दिनों से भूखा है, उसके सामने भोजन की थाली परोसी रख दी गई, परोस कर, बड़ा खुश, भूखा है ना, खाने के लिए एक कोर उठाता है उसने, इतने में विचार और कहीं चले गए, मैं तो गुसल खाने में आया हूं, नहाने के लिए आया हूं, और ये साबुन की टिकिया है, उस भोजन के कोर को अपने शरीर पर रगड़ने लगा, ये साबुन की टिकिया है, ये साबुन की टिकिया है। वो बात पूरी हुई नहीं, एक बात और उभर गई, ये जो आदमी मेरे सामने आया है मेरा दुश्मन है, मुझे मारने आया है, अरे ये मुझे मार देगा, ये मारे इसके पहले मैं इसको मार दूं तो कैसे मार दूं, ये हथगोले हैं, ये हथगोले फेंके कि मर जाएगा, तो सारी रोटियां फेंक दी उठा करके। ऐसे आदमी को पागल ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? एक समझदार साधक जब अपने भीतर अपना निरीक्षण करता है, अपने चित्त का निरीक्षण करता है,
तो देखता है कैसा पागलपन लिए चल रहा हूं मैं भी, होश ही नहीं। एक विचार चला कि पूरा नहीं हो पाया, दूसरा चल पड़ा वो पूरा नहीं हो पाया कि तीसरा चल पड़ा, कोई सिर पैर का कहीं कोई संबंध नहीं, कोई क्रम नहीं, कोई सिलसिला नहीं, पागलपन ही है ना। इसी को पुरानी भाषा में कहते थे मोह है, मूढ़ता है, अज्ञान है, होश ही नहीं है। तो बात समझ में आती है कि मेरे मानस का ऐसा दूषित स्वभाव हो गया कि जब देखो तब या तो राग रंजित है, या द्वेष दूषित है, या मोह विमूढ़ित है। ये राग, ये द्वेष, ये मोह, ये राग, ये द्वेष, ये मोह, अरे इसी में लोट पलोट लगाता है और इसे मारे तो दुखियारा है, बड़ा व्याकुल है, बड़ा व्याकुल है। ऊपर ऊपर से हम हजार अपने मन को समझाएं, उसे दबाएं, राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, कुछ ठिकाने रखना चाहिए, तो कभी कभी लगेगा कि ऊपर ऊपर का मन, ये बौद्धिक स्तर का मन बड़ा ज्ञानी हो गया, बड़ा समझदार हो गया, और देखो राग नहीं जगा रहा, द्वेष नहीं जगा रहा, मोह नहीं जगा रहा। अरे पर वो तो इतना छोटा सा हिस्सा है मन का, बाकी सारा उसमें क्या हो रहा है, मानस की उन तल स्पर्शी गहराइयों में क्या हो रहा है। प्रतिक्षण राग जाग रहा है या द्वेष जाग रहा है या मोह जाग रहा है, इन तीनों में से कुछ न कुछ जाग रहा है, और बाकी जितने भी विकार हैं, मन के जितने भी विकार हैं, वो इन तीनों से ही उत्पन्न होते हैं। राग से उत्पन्न होंगे, द्वेष से उत्पन्न होंगे, मोह से उत्पन्न होंगे, उत्पत्ति इन तीनों से होती है, और इन तीनों का भंडार। ऐसी स्वभाव शिकंजे में जकड़ गया हमारा मानस, अंतर्मानस ऐसी स्वभाव शिकंजे में जकड़ गया, राग के बाहर निकल ही नहीं पाता, द्वेष के बाहर निकल ही नहीं पाता, मोह के बाहर निकल ही नहीं पाता। तो ये सांस को देखने की साधना, शुद्ध सांस को देख रहे हैं। साधक दिन भर काम करता है, कोई कोई क्षण तो उसे ऐसा प्राप्त हो जाता है जबकि उसने अपने आप को भूतकाल से काट दिया, उसने अपने आप को भविष्य से काट दिया, एकदम वर्तमान में है और वर्तमान के सच्चाई का निरीक्षण कर रहा है। ये सांस भीतर आया, ये सांस बाहर गया, भीतर आया बाहर गया, तो सत्य है, कोई मोह मूर्ता नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है। और जब सांस भीतर आया तो उसके प्रति राग नहीं जगा रहा, सांस आ रहा है, अपने स्वभाव से आ रहा है। जब सांस आता है तो कौन यूं करने लगता है, मुझे और सांस चाहिए रे, और सांस चाहिए रे, कौन राग जगाता है, आ रहा है, अपने स्वभाव से आ रहा है। हम दृष्टा भाव से जान रहे हैं, हम साक्षी भाव से जान रहे हैं, हम तटस्थ भाव से जान रहे हैं, तो राग नहीं है। सांस जा रहा है तो कहां प्रतिक्रिया होती है, सांस नहीं चाहिए रे, जल्दी चला जाए, हमें सांस नहीं चाहिए, हमें सांस नहीं चाहिए, ऐसा द्वेष कौन जगाता है, नहीं जगाते। सांस आ रहा है जा रहा है, इसको यथाभूत जैसा है वैसा जान रहे हैं, तो मोह मूढ़ता नहीं है उस क्षण, उसके प्रति राग नहीं जग रहा है, तो उस क्षण हमारा मानस राग रंजित नहीं है। उसके प्रति द्वेष नहीं जाग रहा है तो उस क्षण हमारा मन द्वेष दूषित नहीं है, राग रंजित नहीं है, द्वेष दूषित नहीं है, मोह विमूढ़ित नहीं है, तो निर्मल है, निर्मल है। वो क्षण भले नन्ना सा ही क्षण, बड़ा कीमती क्षण है, बड़ा कीमती क्षण है। ऐसा क्षण पवित्रता का क्षण स्वभाव पलटने लगा, लेकिन साथ साथ उससे जरा कठिनाइयां भी आती हैं। अगर हमने अपने मन को किन्हीं शब्दों के सहारे समाहित कर दिया, किसी कल्पना के सहारे समाहित कर दिया, अथवा मानस के ऊपर ऊपर कोई बहुत अच्छा आत्म सुझाव दे करके, बहुत अच्छा लेप लगा करके उसे शांत कर दिया, अच्छी बात है, थोड़ा तो लाभ हुआ। लेकिन ये हमारे विकारों का क्या हुआ,
हमारे राग का, हमारे द्वेष का, हमारे मोह का उसका क्या हुआ? वो तो भीतर ही भीतर उसी तरह सुलग रहे हैं, उसी तरह सुलग रहे हैं। तो जैसे ही इस विद्या के सहारे, जहां पर कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई शब्द नहीं और कोई बीच में अड़चन आने वाली बात बिल्कुल नहीं, केवल सांस, केवल सांस को देखते देखते एक क्षण भी ऐसा आया और वो पवित्र क्षण जिसमें राग नहीं, जिसमें द्वेष नहीं, जिसमें मोह नहीं, जैसे ही वो क्षण आया, भीतर से कोई बहुत बड़ा भूचाल जैसा उठा, कोई ज्वालामुखी फूटी। क्यों, क्या हुआ? किसी का पांव दुखने लगा, किसी का सिर दुखने लगा, किसी का जी मचलाने लगा। अरे यहां तो ध्यान करने आए थे आनंद के लिए, ये क्या होने लगा? कल्याण के लिए होने लगा। ऑपरेशन शुरू हो गया मन का। थोड़े का ऑपरेशन होगा तो उसके भीतर जो पीप है वो उभर कर ऊपर आएगी। तो भीतर जो हमने आग के अंगारे भर रखे हैं, द्वेष के अंगारे भर रखे हैं, मोह के अंगारे भर रखे हैं, धधक रहे हैं, भले उन पर कभी कभी हम मोटी मोटी राख की तह लगा देते हैं, भस्मा छन्नो वे पावको। भगवान ने कहा कि जैसे कोई पावक जलते हुए अंगारों पर भस्म चढ़ा दी तो लगता है हमारी आग नहीं है। अरे बहुत आग है भीतर। क्या हुआ? भीतर इतनी आग है और ये एक क्षण पवित्रता का मिला। तो मिलते ही जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव मिले, धन और ऋण मिले, भीतर की ये गर्मी और इस एक क्षण की पवित्रता की शीतलता जैसे ही आपस में संपर्क हुआ कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। होगा ही। वैसे ही जैसे किसी गर्म चूल्हे को ठंडा करना है और उस पर चुल्लू भर पानी डालते हैं तो प्रतिक्रिया होती है, छू करके आवाज होती है, फिर ठंडा पानी डालते हैं फिर छू करके आवाज होती है। वो चूल्हा, गरम चूल्हा तब तक छू छू करता ही चला जाएगा जब तक कि उसका तापमान इस ठंडे पानी के तापमान के बराबर नहीं हो जाएगा। वो भी ठंडे पानी की तरह ठंडा हो गया, अब चाहे जितना ठंडा पानी डालो कोई छू छा नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार, इसी सिद्धांत के अनुसार, इसी सिद्धांत के अनुसार भीतर जो अंगारे जल रहे हैं उन पर ये शीतल जल के छींटे पड़े, पड़े कि भीतर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उससे साधक को जरा बेचैनियां हुई। ये भी एक बहुत मोटा कारण है जिसकी वजह से चाहते हैं कि पहला शिविर 10 दिनों का किसी तपोभूमि में जाकर के किसी योग्य व्यक्ति द्वारा, अनुभवी व्यक्ति द्वारा, अधिकारी व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करके ही इस विद्या को सीखेंगे।